हेलो करो। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो है कुछ अलग, क्योंकि इसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि मेकअप किस तरह से, क्या प्रोडक्ट है, क्या इसमें यूज़ करा है मैंने। तो अभी मैं अपना आगे का फ्रंट दिखाया आपको, नीचे का मेरे जो छोटा सा गार्डन है, मैं मतलब छोटे से थोड़े से मैंने प्लांट्स लगाए रखे हैं, और अभी वो मैंने आपको थोड़ा सा व्यू दिखाया था, बहुत अच्छा लग रहा था बारिश के मौसम में। और अभी मैं जा रही हूँ युवान को लेने स्कूल, और स्कूल से ला के मैं आपको आज मेकअप के सारे ब्रांड्स और जो भी अच्छे हैं वो सारे मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। कौन सा प्रोडक्ट कब कैसे यूज़ करना है वो सारा मैं डिटेल में इसमें बताऊँगी। कुछ इसमें मिस भी हो गए हैं, वीडियो में ऐड नहीं हो पाए हैं, तो मैं आपको वो भी आपको बताऊँगी। टमाटर का मैं पूछ रही थी क्या भाव है आपको। अच्छा लगा स्कूल में? ओहो, आपने आज क्या पढ़ा? एबीसीडी। ओहो, एबीसीडी पढ़ा आपने। चलो अब घर जाके बाय कर दो, घर जाके मिलते हैं। बाय कर दो फोन पे। बाय बाय। सबसे पहले ये क्लींजर है। अब ये प्रोडक्ट्स के बाद ये प्रोडक्ट, तो मेरी स्किन ऑयली नहीं है, ऑयली स्किन के लिए ये है एलोवेरा का हिमालय का मॉइस्चराइजर, और जिसकी ड्राई स्किन होती है उसके लिए सीरम होता है, प्लम का सीरम लिया है मैंने वो अभी मैं इसमें आपको, ये है प्लम का सीरम है, ये ड्राई स्किन के लिए ये यूज़ करते हैं। इसके पहले हम प्राइमर यूज़ करेंगे, वो प्राइमर इसमें ऐड नहीं हो पाया है एक्चुअली, तो वो प्राइमर लगाएंगे पहले, उसके बाद हम ये यूज़ करेंगे। और ये है फाउंडेशन और फेस पाउडर, इसको दोनों को मिक्स करके इसका पेस्ट बनाया है, फिर इसको हम फेस पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद इस तरह से ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर देंगे। आप चाहो तो ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हो, बट मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। ये जो है वो मेरी भाभी है, उसको काफ़ी शौक है मेकअप का, तो वो ही बोल रही थी कि दीदी आज मैं आपका मेकअप करती हूँ, तो हम दोनों इस तरह से, मुझे आज जाना था कीर्तन में, तो बोल रही थी कि चलो मैं आज आपका मेकअप करती हूँ। तो ये लगा दिया है, इसके बाद कंसीलर
उसको उसके बाद ये कंसीलर अप्लाई किया फेस पे, उसके बाद इस तरह से इसको ब्लेंड कर दिया है और फिर उसके बाद लगाया फेस पाउडर अच्छे से, और नेक पे भी सारे पे लगाना है। साथ ही साथ हम टीवी भी देख रहे थे, हॉल में बच्चे भी मस्ती कर रहे थे, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि काफ़ी कचर पचर हो रहा था वीडियो में। तो इधर जो बोलते हैं रूस टाइप से क्या होता है वो नहीं था, तो हमने इसके लिए लिपस्टिक का यूज़ किया, हल्की हल्की लाइट लाइट लगाया, उसको भी ब्लेंड कर दिया। और ये है आई शेडो, तो ये आइस का मेकअप है, बिल्कुल लाइट मेकअप किया है मैंने क्योंकि मुझे कहीं शादी पार्टी में नहीं जाना था, बट ऐसे ही उसको शौक लग रहा था तो उसने किया था, तो मैंने सोचा कि इसका वीडियो भी बनाया जाए। ये है स्प्रे जो मेकअप सेट करने के लिए किया जाता है यूज़, तो मेकअप करने के बाद इस मेकअप सेटर को यूज़ करते हैं। उसके बाद ये है हाइलाइटर, इसका भी कम ही यूज़ किया है हमने, और सारे प्रोडक्ट हैं वो मैंने इसमें साइड में उनके दे दिए हैं, तो आप उनको देख के आप यूज़ कर सकते हो। ये है मस्करा, और मैंने आईलाइनर नहीं लगाया, एक्चुअली आईलाइनर मेरा मिल नहीं रहा था, शादी में गुम हो गया कहीं क्या हुआ तो वो मिल नहीं रहा था, तो ये आई शेडो लगाया, मस्करा लगाया सॉरी, और पता क्या हुआ कि मैंने आँख ऐसे एकदम से मेरी आँखें बंद हो गई तो सारा मस्करा मेरी आईज के नीचे आ गया, और फिर इसको हाइलाइटर वगैरह लगा के कॉटन से पहले साफ़ किया, उसके बाद इससे थोड़ा सा फिर से मेकओवर किया, और ये देखो इस तरह से किया, बिल्कुल लाइट मेकअप है। आपको कहीं जाना है पार्टी वार्टी में, मतलब या कीर्तन में या कहीं घर में भी करना है, इस तरह से लाइट मेकअप आप कर सकते हो। इस तरह से लाइट मेकअप किया है। ये है लास्ट लिपस्टिक, और बस हो गई मैं रेडी। अच्छा लगता है कभी कभी इस तरह से घर में एंजॉय, थोड़ा बहुत कुछ हटके करो तो काफ़ी अच्छा लगता है, इस तरह से करते रहना चाहिए अपने बालों का, अपने फेस का, कुछ ना कुछ इस तरह से करते रहो तो काफ़ी अच्छा लगता है अपने आप को। ये देखो मेरा हो गया है, इसमें मैंने काजल ऐड नहीं कर पाया, काजल लगाया, आईलाइनर मैंने नहीं लगाया, और ना थ्रेड की जो होती है ना थ्रेडिंग वाली वो भी नहीं लगाई, बिल्कुल मुझे लाइट ही करना था। और बस मैं जा रही हूँ कीर्तन में, मैंने अच्छे से सिंदूर वाली मांग भरी हुई है, ये सूखा ड्राई वाला सिंदूर होता है वो लगाया हुआ है। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू, बाय बाय।